आप सभी को राम राम। आज हम जलेबी बनाएंगे जो 12 से 15 मिनट में ही तैयार हो जाती है। इसके लिए पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए 1.5 कप चीनी लेंगे और 1 कप पानी डालेंगे। 1 पिंच कलर डाल देंगे। चीनी को घोल लेंगे। चीनी घुल जाए तो आँच तेज़ रखेंगे और चाशनी को 2 से 3 मिनट तेज़ आँच पर उबाल लेंगे। चाशनी में तार वार नहीं बनाना है, बस उंगलियों और अंगूठे के बीच में छूने पर थोड़ा सा चिपचिपा सा फील होने लगे, बस इतना ही हमें उबालना है। 1 कप मैदा लेंगे, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे और 2 से 3 चम्मच दही डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी गांठ ख़त्म करेंगे और एक चिकना सा स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। नमक डाल देंगे। हमें इसी तरह का बैटर चाहिए जलेबी बनाने के लिए। और तेल चढ़ाएंगे, तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और बैटर को किसी पन्नी में भर लेंगे या आपके पास कोई सॉस की बोतल हो तो उसमें भर लें। और कट लगाएंगे जलेबी जिस हिसाब से आपको मोटी पतली रखनी है उसके हिसाब से कट लगाएंगे पन्नी में। उसके बाद इसकी जलेबी में बना लेंगे। जलेबी को हमेशा हमें तेज आंच पर ही फ्राई करना है, बहुत जल्दी हो जाती है। इन्हें निकाल कर सीरे में डाल देंगे। सीरे में डालने के बाद 1 मिनट के अंदर ही हमें इन्हें निकाल लेना है। ज़्यादा देर तक हम सीरे में नहीं छोड़ेंगे, 1 मिनट में निकाल लेते हैं। हमारी जलेबी एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो जाती है। ऐसे ही हम सारी जलेबियाँ तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया जलेबी बनकर तैयार हुई है।